दिल्ली पुलिस जगह जगह पे बहुत ही ज्यादा अलर्ट है। वहाँ जो भी बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पे भी मुस्तैदी बढ़ा दी गई। आज सुबह से भी हम इस तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं और देर रात भी पेट्रोलिंग की गई, यानी दिल्ली पुलिस इस बात को लेकर अलर्ट है कि गुरुग्राम का या फिर हरियाणा का असर ना पड़ जाए दिल्ली के कुछ हिस्सों में, क्योंकि ये पूरा NCR का इलाका है और NCR के इलाके में जब भी एक कोई भी घटना होती है तो उसकी आंच दिल्ली तक पहुंचती है। और इसी बात से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने ये कदम उठाया है। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नफरत की आग में हरियाणा का एक और शहर जला। नूह में धधकी नफरत की चिंगारी की आंच गुरुग्राम तक पहुंच गई है। सोमवार को नूह के अलग अलग इलाकों में हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि इस बवाल का असर दूसरे दिन गुरुग्राम में देखने को मिला। गुरुग्राम के सेक्टर 70 में दुकानों को उपद्रवियों ने निशाने पर लिया। आगजनी हुई, लूटपाट हुई और पत्थरबाजी इस बार भी हुई। आग की इन लपटों पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह घटना उस वक्त हुई जब शहर में धारा 144 लगी थी। उपद्रवी बवाल काटते रहे और पुलिस शांति की अपील करती रही। जिस प्रकार से मेवात नू के अंदर जो घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। आग की इन लपटों से गुरुग्राम का सेक्टर 70 ही नहीं बल्कि बादशाहपुर और पटौदी चौक पर भी जमकर बवाल हुआ। दंगाइयों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की और आग लगाकर मौके से फरार हो गए। गुरुग्राम पुलिस को गुरुग्राम के कुछ इलाकों से रिपोर्ट मिली थी कि सब कंट्रोल में है, लेकिन कुछ देर में उपद्रव की आग गुरुग्राम में भी दिखनी शुरू हो गई। गुरुग्राम में एहतियात के तौर पर मॉल और सिनेमाघर बंद कर दिए गए। बादशाहपुर के आसपास के इलाकों में पुलिस का पहरा है। सेक्टर 65 में मॉल और बादशाहपुर इलाकों में खास नजर रखी जा रही है। हिंसा के बाद सियासत गरमाई हुई है। नूह और गुरुग्राम हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट है। पुलिस लगातार उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। हरियाणा के कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट बंद है, आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और संदिग्ध को हिरासत में लिया जा रहा है। डिप्लॉयमेंट कर रखा है, कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, उनको घेर दिया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं सभी DSP और फोर्स लेके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है और लगातार हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो गश्त कर रही है। सभी की हमारी तरफ से अपील है किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अपने घरों पर ही रहें, ठीक है। पुलिस अपना काम कर रही है, कोई भी अगर घटना होती है उसके बारे में पुलिस को तुरंत सूचना। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CM मनोहर लाल खट्टर से बात की है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने CM खट्टर से हरियाणा में हुई हिंसा के ताजा हालात के बारे में जानकारी ली। गुरुग्राम के बादशाहपुर की यह तस्वीर उस बर्बादी की गवाह है जिसे मंगलवार को दंगाइयों ने साइबर सिटी में फैलाया। गरीबों के इन आशियानों से उठता धुआं एक सोची समझी साजिश का सबूत है।